अगर देश में अभी चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी करेगी वापसी या फिर कांग्रेस की होगी बल्ले बल्ले। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी जहां वापसी करने के सपने देख रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को हराने के लिए अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सी वोटर की ओर से कराए गए सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे में कांग्रेस की हालत में 2014 के मुकाबले सुधार होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी वो सरकार बनाने से कोसों दूर नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक अगर अभी देश में चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ दोबारा सरकार बना सकती है। ये सर्वे 3 दिसंबर से लेकर इस साल 3 जनवरी के बीच कराया गया है। सभी 543 लोकसभा सीटों पर 10,000 से अधिक लोगों के बीच हुए इस सर्वे के मुताबिक पूरे देश में मोदी ही केंद्र में हैं और अकेले बीजेपी की गाड़ी खींच रहे हैं। सर्वे में एनडीए को 335, यूपीए को 89 और अन्य को 119 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो बीजेपी को 279 और कांग्रेस को 60 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट फीसदी की बात की जाए तो एनडीए को 39.7% और यूपीए को 23.6% वोट मिल सकते हैं। अगर पीएम पद के लिए लोकप्रियता की बात की जाए तो सर्वे में पीएम मोदी 62.7% के साथ टॉप पर हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 12.6% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी 4.4%, डॉक्टर मनमोहन सिंह 4.3% और अरविंद केजरीवाल 1.6% लोगों की पसंद हैं। सर्वे की माने तो बीजेपी को 2014 में जिन राज्यों में बड़ी सफलता मिली थी, वहां पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन पार्टी को इन सीटों की भरपाई पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में होता दिखाई दे रहा है। सर्वे के दावों की पुष्टि हम तो नहीं करते, लेकिन इस सर्वे से इतना तो साफ है कि मोदी सरकार के 3.5 साल बाद भी देश में मोदी लहर जारी है। इंडिया न्यूज़, वायरल की रिपोर्ट।